वरकातहू हूँ बरादरान इस्लाम। अब हम इस वक्त शाम के 6:15 हो रहे हैं। हम नारायणगुड़ा पीएस के सामने ठहरे हुए हैं, जो हमको 2 बजे टैंकमेंट के पास सेक्रेटरी की मसाजिद में हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, हमको जो ना गिरफ्तार किया गया और अभी तक यहाँ पर बिठाया गया है। और अभी हमको यहाँ से रिहाई हमको मिली है, हम बाहर निकले हैं। अब हम ये मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत तेलंगाना को, आपके ये हरबे हम पर कोई काम आने वाले नहीं हैं। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, हमारा ये हक है, क्योंकि आपने हमारे मसाजिद को शहीद किया है, सेक्रेटरी के अंदर मंदिर को मिसमार किया है और एक खाना मस्जिद को जो ना शहीद किया गया है। आपका ये जुर्म इतना बड़ा जुर्म है कि मुसलमान और हमारे तेलंगाना के अवाम आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते। और ये हमारा ये आखिरी काम नहीं है, यहाँ से तो इब्तिदा है और आगे आगे हम आपके ख़िलाफ़ जो जो कदम उठाएंगे आप खुद देखते जाएंगे। मैं केसीआर साहब आपसे मैं कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, आप जो वादा किए थे सेक्रेटरी की मसाजिद की तामीर का 20 अक्टूबर का आप ऐलान किए थे और आप असेंबली में बयान किए थे, हमको ये मालूम है कि आप पक्के झूठे हैं। आप अपनी ज़बान पे आप कभी कायम नहीं रहते, आप जो है ना आपकी इब्तिदा से जो है ना झूठ आपके रगे रग में बसा हुआ है। आप कितनों को झूठ बोलकर धोखा दिए आपका दिल बेहतर जानता है, अगर मैं गिनाने बैठूँ तो 1 घंटा लग जाएगा। हमको सिर्फ ये कहना है के सी आर साहब, हमारा ये एहतजाज यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, आगे ये एहतजाज और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, इससे पहले कि एक तूफान जो है ना तेलंगाना में और हैदराबाद में आए। आप पहली फुर्सत में सेक्रेटरी के मसाजिद की ज़मीनों को हमारे हवाले कर दीजिए, हम खुद जो ना तामीर कर लेंगे और हम खुद वहाँ पर आलीशान मस्जिद बनाएंगे। ये जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा है, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल का मुतालबा है और ऐसे आपके हथकंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम आखिरी खून के खतरे तक हम आपसे मुकाबला करेंगे और हम जो ना मसाजिद को हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।